धन्यवाद आपके प्यार के लिए, शुक्रिया. अर्चना जी, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको बड़े पर्दे पे देख के मजा आता है. बिल्कुल. फॉर एग्जाम्पल जैसे मुगले आजम हुई, या शोले हुई, बॉर्डर, या बाहुबली. सो ऐसी एक ग्रैंड फिल्म आ रही है RRR. पहले तो इसके लिए तालियां हो जाएं. और RRR फिल्म की स्टार कास्ट और डायरेक्टर साहब आज हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं. प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, मिस्टर एंटिया, मिस्टर रामचरण एंड लेजेंडरी डायरेक्टर मिस्टर SS राजामौली. राजामौली सर, एंटीआर सर, रामचरण सर, आलिया, बहुत बहुत स्वागत है. बिफोर आई स्टार्ट माई शो, दास दादा, जस्ट क्लिक ए पिक्चर. Why टुडे स्पेशली? पुट इट ऑन इंस्टाग्राम और नीचे लिखो कि रामचरण एंड एनटीआर जस्ट रिवील दैट दे आर ग्रेट फैन ऑफ मी. ओके ओके. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. और हमने RRR का ट्रेलर देखा. सर, यू अंडरस्टैंड हिंदी? आई अंडरस्टैंड सर. आई कैन स्पीक, बट दे डोंट नो वेदर आई एम स्पीकिंग हिंदी और सम अदर लैंग्वेज. देन मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड माई इंग्लिश. राजामौली सर, सर टुडे स्पेशली फॉर यू गाइज, अर्चना जी स्पेशली स्पेंड यू नो 1500 रुपीज ऑन फ्लावर्स. शी नेवर स्पेंट ए सिंगल रुपी फ्रॉम हर ओन पॉकेट, बट टुडे शी स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. और मैंने देखा है राजामौली सर इतनी ग्रैंड फिल्में बनाते हैं, हमें लगा था ये हाथी पे बैठ के आएंगे और पीछे गाना चलेगा, गली गली तेरी लो हो चली. पर सीरियसली, ही सो सिंपल मैन. सर आप सीरियसली इतने सिंपल हैं या इनकम टैक्स की नजरों से बचते हैं आप? That's the exactly reason why I be simple. Oh God. Wow. पर सर हम बहुत बड़े फैन हैं आपके. पर राजामौली सर का टेस्ट बहुत ही ग्रैंड है. इन्होंने मगध हीरा करी, मक्खी बनाई, बाहुबली बनाई, अब RRR, और टीवी शो भी चुना तो द कपिल शर्मा शो. व्हाट अ चॉइस सर. ओह राम सर, हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं एक बार प्रियंका चोपड़ा के साथ. आलिया तो हमारी फैमिली मेंबर है जी, हम लोग करते रहते हैं शोज. NTR सर पहली बार आए हैं. सो आप मुझसे मिलने के लिए हिंदी सीख रहे थे? आप मेरी इंग्लिश सीखने का वेट कर रहे थे? नहीं, इंग्लिश सुनने का वेट कर रहा था. इंग्लिश सुनने का वेट कर रहा था. ओके, सो टुडे आई विल स्पीक अ लॉट ऑफ इंग्लिश. आलिया संभाल लेना, डोंट वरी, मैं हूँ. हाँ बस वही, हमेशा हमेशा के लिए. आइए प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है. आइए सर प्लीज विराजमान हो जाइए. NTR सर, मैं जी, आजकल क्या कोविड वोविड का माहौल चल रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप जब एयरपोर्ट जाते हैं जी, तो NTR बोल के काम चल जाता है कि RT-PCR भी दिखाना पड़ता है? यू आर अ ह्यूज स्टार. आई मीन नहीं सर, कोविड ने सबको एक बराबर कर दिया. हाँ, बराबर कर दिया, जो RT-PCR दिखाना पड़ता है. आलिया इस फिल्म में हीरोइन है. आप सब एक बार आलिया के लिए जोरदार तालियां, क्या कमाल का काम करती हैं. सो आलिया, ये RRR करने से पहले आपने फिल्म की कहानी सुनी थी कि खाली आर सुन के हाँ कर दिया था? बिकॉज आई मीन इट्स अ ट्रिपल आर. Actually, you are right. मैंने R सुन के ही हाँ कर दिया था, क्योंकि R stands for राजामौली सर. Wow, very smart answer. और मैं रामचरण सर के बारे में बताऊं, ये इनकी एरोप्लेन की कंपनी भी है, होटल की फ्रेंचाइज है, हॉस्पिटल्स भी हैं. सर इतना सब कुछ होने के बाद आपको नहीं लगता इतना पैसा है यार, फिर भी मैं इतने भाग भाग के काम क्यों करता हूँ? कभी रिलैक्स होने का मन नहीं करता? सर, एयरलाइन कंपनी ओन करने से हम इधर नहीं आ सकते ना. हाँ राजामौली सर, एक आप सामने हैं तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, यू नो शी अर्चना बगुन सिंह. ऑफ कोर्स वी नो हर, ही आल्सो एक्टेड इन तेलुगु फिल्म कंडपल्ली राजा सम टाइम बैक. यस सर, वहां पे भी काम किया आपने? तुझे इतना आश्चर्य क्यों होता? ही सो सरप्राइज्ड दैट आई हैव वर्कड. अब मैं इंडस्ट्री में 40 साल से 40 इयर्स सर, सो ही इज वेरी सरप्राइज्ड आई हैव वर्कड इन सम फ्यू फिल्म्स. एंड समवन वाज टेलिंग मी, यू नो दादा साहब फाल्के, वो यू नो स्टार्टेड द इंडस्ट्री, तो समवन वाज टेलिंग मी शी शॉट ए फिल्म विद हिम आल्सो.
But sir, there was a rumor. So Archana ji was telling me that, you know, first you approached her for the Kattappa role. Is it true? Kattappa. I wish. Sir, if you had, na, I would have agreed. I would have said yes. Thank you. But Raja Mauli sir ne bhi backstage mereko bata diya tha. Kehte, yes, I approached her for Kattappa, but dates ka issue ho gaya tha. Oh, yeah, she was busy with your show. She couldn't come. Yeah, true, true. Archana ma'am, during the lockdown, I wanted to tell you, I've enjoyed your videos from your house. Oh, thank you, Raja. Especially thank your... thank you. Superb. Especially your helper, that lady. Bhagyashree. I think she's more famous than you in the videos. There is a twist. She made her famous. Now she stopped giving her salary. Bolti, maine tujhe launch kiya, main tujhe paisa nahi dungi. Alia, aapne is film ke liye audition diya tha ki aapne inko promise kiya tha ki main aapko Kapil Sharma show mein leke jaungi. Sir, meri tareef koi karta nahi, main apni khud kar leta hu. I'm very self-obsessed man. Nahi, unhone yehi kaha ki aap please humko ye show pe leke jana, fir aap film mein kaam kar sakti ho. To maine kaha, haan, definitely main Kapil se baat karungi. He's a friend, we talk every day, you know. Go for coffee and stuff like that. So, yeah. Oh, thanks, Alia. Yeah. अच्छा सर, मेरे पे सीरियस सवाल पूछना है. साउथ की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, लेकिन आप कभी प्रमोट नहीं करते नॉर्मली. मेरे ख्याल से 7-8 साल बाद तो आपसे मुलाकात हो रही है. सर, जरूरत नहीं पड़ती है. एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती है. प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये अपने घर से बाहर कदम रखेंगे और वहां वो पिक्चर देखने आ जाएंगे. दैट्स हाउ डिवोटेड एंड हाउ लॉयल द फैन बेस. वाओ, सुपर्ब सर. ये ब्लेसिंग्स होती हैं एक्चुअली. सर, एनटीआर सर, आप और रामचंद्र सर पहली बार एक फिल्म कर रहे हैं साथ में, तो पहले कोई ऐसा ऑफर नहीं आया साथ में, या किसी प्रोड्यूसर के पास इतने पैसे नहीं थे आप दोनों को अफोर्ड कर सके? सेकंड आंसर इज राइट. नहीं, राजमौली नहीं थे सर. हाँ, एक्चुअली बजट भी नहीं था. हाँ, तो राजमौली है, बजट भी है. For the budgets to happen. पर राजमौली सर ने भी पहले बाहुबली बनाई, पहले कमाए, फिर दोनों को साइन किया. सर, ये आरआरआर टाइटल कैसे आया दिमाग में? कोई टाइटल और सूझ नहीं रहा था, या आपको लगा रुपया 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 बहुत कमाने वाली है ये फिल्म? ये टाइटल कैसे आया सर? इन द बिगिनिंग वी डिडंट नो व्हाट टू पुट द टाइटल, सो वी थॉट ओके टू रेफर टू द प्रोजेक्ट वी विल पुट इट एज आरआरआर, बिकॉज रामचरण, रामा राव, राजमौली विद हैशटैग आरआरआर. वाओ, मगर ऑडियंस को वही पसंद आ गया. So we kept that only as the title. No, nice. Both try किया थे इन्होंने, you know, he was like trying. अरे क्या करूँ मैं अब ये ट्रिपल आर जो इतना फेमस हो गया, तो क्या करूँ? So but I think वो रुपये 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 was very very true, you know, for him it's that. आपको तो actually title सोचने की ज़रूरत नहीं, आप खाली इतना लिख दिया करो, मेरी अगली फिल्म. Hashtag अगली. हमने एनटीआर सर को कहते हुए सुना कि इन्होंने इस फिल्म में 9 किलो वजन बढ़ाया, 18 महीने इनके ट्रेनर ने लिए, मतलब हाफ केजी पर मंथ. एब्सोल्युटली. तो वो सीरियसली आपका वजन बढ़ा रहा था कि अपनी पेमेंट बढ़ा रहा था? ज्यादा टाइम लिया उसने. सर, वही तो पूछना चाहिए मुझे. आई हैव टू एक्चुअली रिसर्च ऑन इट. थोड़ा रिसर्च वर्चेस करके फिर से आई कम टू कपिल शर्मा शो एंड गिव यू अ प्रॉपर आंसर. क्या हुआ उधर? पर आप अगर एक्चुअली पंजाब आ जाते ना जी, हम आपको ऐसी ऐसी चीजें खिलाते. देयर इज अ डिश कॉल्ड यू नो तंदूरी कुलचा विद छोले लस्सी. सो दिस साइज कुलचा एंड बिगर देन कुलचा देयर इज अ व्हाइट बटर. यू जस्ट क्रश द बटर इनटू द कुलचा, जस्ट थ्रो इट इन योर स्टमक. सर, मुझे मेरा अगला फिल्म दंगल का रीमेक तो नहीं है? ओके. और मैं आपको लस्सी पिलाऊंगा सर, इतना बड़ा गिलास कटप्पा के मुंह जितना. और वो आप लस्सी पियो, आधे घंटे में साउंड स्लीप. अर्चना जी, यू नो शी गॉट 90 kg इन 40 डेज. और अब इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब ये रेंट पे देती हैं कोलेस्ट्रॉल. कैन आई प्ले आमिर खान इन दंगल 2? या देन आई देयर, देन आई देयर फॉर श्योर. सो राजा मौली सर, फ्रॉम देयर, एनी चांस यू डिडंट गेट माय पंच, आई हैव यू नो क्यू फॉर यू. Like if I show will this big laughter, it's a mild laughter. Joke can be ignored, and this is laughter. So I will guide you, sir. But I love you, sir. Oh
आलिया को हमने कहीं बोलते सुना कि ये सबसे पहले किसी चीज से अट्रैक्ट होती है तो वो होती है स्मेल. सो अगर कोई आपको लड़का प्रपोज करता है तो आप क्या बोलती हैं? सोच के बताऊंगी कि सूंघ के बताऊंगी? आई मीन जो भी प्रपोज करेगा आई एम श्योर मैंने ऑलरेडी सूंघा ही होगा. आलिया बड़ी हो गई है अब, बच्ची नहीं रही आलिया. बहुत स्मार्ट हो गई है. मैं हमेशा से स्मार्ट थी बस तुमको नहीं पता था. एनटीआर सर, राजामौली साहब की पहली फिल्म जो थी स्टूडेंट नंबर वन, उनमें आपने साथ में काम किया था. उसके बाद भी आपने एक दो फिल्में और की. फिर जब बाहुबली बनी तब आपने इनको बोला नहीं, नाउ बिग बजट बिग पेमेंट, व्हाई आई एम नॉट देयर? दैट्स व्हाई आई एम हियर फाइनली, बिकॉज़ आई आस्क्ड दैट आई एम हियर. अच्छा ये बड़ा होता, कट टू कट आंसर होते, उसके बाद फिर चुप हो जाता हूं. अच्छा बाहुबली के बाद आपको कोई फर्क नजर आया राजामौली सर में? ये आसानी से मिल जाते हैं कि प्रभास बाहर रोक लेता है? आसानी से तो नहीं मिलते हैं सर ये. अच्छा बहुत मुश्किल है इनको पकड़ना. लेकिन एक बार अगर, वो भी एक फियर सा है सर, अगर इन्होंने हमने पकड़ लिया पहले, हाँ, वो 3-4 साल तो जा रहा है. कोई और नहीं पकड़ सकता एक्चुअली. मैंने सुना भी है सर, आपकी फिल्म में कोई भी रोल कर लेता ना तो उसको झटक से बाहर 4-5 फिल्में साइन हो जाती हैं, भले ही उसका रोल यही हो कि हाथी के पैर के आगे नीचे मरना है. मतलब इतना बड़ा नाम है राजमौली सर का, पर सर वैसे नॉर्मली कभी फिल्म शूट होती है कोई, आलिया आप तो गवाह है हमारे यहाँ पे, तो ऐसा ही होता है, मीडिया से कोई बात छुपी नहीं रहती. 2 साल तक आपने कैसे छुपा के रखा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मतलब सीरियसली किसी को आपने रिवील नहीं होने दिया, या आपने भी पहले मरवा दिया था उसके बाद आपने दूसरा पार्ट सोचा? नहीं सर, बिकॉज आई केप्ट ऑल माय एक्टर्स लॉक्ड इन रामोजी फिल्म सिटी, आई डिडंट लेट एनीवन आउट फॉर 2 साल तक, सो मीडिया डिडंट हैव अ चांस टू मीट एनीवन. वाओ, सो दैट्स पहले ऐसा पॉलिटिशियन लोग करते थे कि सबको एक रिजॉर्ट में बांध दो उसके बाद सरकार बना के निकलते. इनका उन बिग बॉस का प्रोग्राम था सर, अंदर जाओ फिर बाहर मत आओ 5 साल के लिए. 5 साल, वाओ. रामचरण सर के बारे में आप सब जानते हैं, इनके पिताजी चिरंजीवी साहब लेजेंडरी एक्टर, बहुत बड़े सुपरस्टार. इनके अंकल पवन कल्याण जी सुपरस्टार, कजन अल्लू अर्जुन जी सुपरस्टार. सर आपके घर में सारे सुपरस्टार्स हैं, कभी आप साथ में बैठ के डिनर करते हैं तो आपका वॉचमैन आके बोले कोई फैन आया, आप कंफ्यूज नहीं होते कि किसका है? बिल्कुल हम कंफ्यूज होते हैं सर, नॉट फैन की वजह से नहीं, जब एक डायरेक्टर आता है तो किसको साइज करते हैं? अगर सर को याद है जब मगधीरा नरेट करने के लिए, हाँ, दोनों डैड और मेहर को नरेट करने के लिए घर आए थे, इफ आई एम राइट ही स्टार्टेड टॉकिंग, सो राजमौली नाउ आई एम गोइंग टू गो टू दिस सीन एंड डू लाइक दिस सर. या आपका नहीं सर, चरण का समथिंग लाइक दैट हैपेंड. ये होता है सर कंफ्यूजन एक्चुअली. तो आपको तो कभी अवार्ड शो होते होंगे, आप बोल ही देते होंगे उनको कि हमारे ऑलरेडी इतने सारे स्टार्स हैं, जो रह गए उनको भी ले आओ, अवार्ड शो इधर ही कर लेते हैं. और वाह यार क्या बात है, कितना प्यार पूरे परिवार को, इतना प्यार, इतना चाहते हैं लोग आपको. आलिया अब तो आपने RRR करी है, आपको क्या फर्क लगता है? मतलब इतने डाई हार्ड फैंस जो होते हैं, जैसे हम लोग सुनते आए रजनीकांत साहब हो गए या चिरंजीवी सर हो गए, है ना, रामचरण एनटीआर, इनकी इतनी डाई हार्ड फैन फॉलोइंग कैसे होती है, क्या रीजन ऑब्जर्व किया आपने कुछ? आई मीन आई थिंक टेक्निकली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर इवेंचुअली आई ऑलवेज बिलीव उनकी वहाँ जो ऑडियंस है, एंड जनरली ऑडियंस ना आंखों से कनेक्ट करती है, इंसान से कनेक्ट करती है. दीज टू गाइज आर रियली अमेजिंग, बहुत अच्छे इंसान है एक्चुअली, जेन्यूनली बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल, दे आर गुड पीपल. तो उनकी वजह से, एंड दे हैव डन गुड वर्क, एंड दे हैव रियली वर्क वेरी वेरी हार्ड. बट हाँ एक चीज मैंने ये नोटिस किया है कि उनकी जो एक फैन फॉलोइंग, वो एक नॉर्मल, लाइक अच्छा आप अच्छा काम करते हो इसलिए हम आपके फैन, वो नहीं है. आप हमारे हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, वो टाइप का फैन फॉलोइंग है, एंड दैट इज अमेजिंग. एंड ऑनेस्टली इन्होंने दोनों इतने साल काम किया है, दे हैव गिवन कॉन्स्टेंटली बैक, और मैंने देखा है द वे दे स्पीक टू देयर फैंस ऑल्सो, हक के साथ बात करते हैं, लाइक दे आर ऑल वन बिग फैमिली. टू इट इज वेरी स्पेशल टू सी. थैंक यू. तो आलिया इस फिल्म के लिए आपने तेलुगु भी सीखी? जी मैंने सिर्फ अपने डायलॉग सीखे. ओके.
और कुछ नहीं. हाँ, क्योंकि अगर आप मेरे से अभी अभी कुछ बुलवाओगे तो मैं बस डायलॉग सीखे ही आपने एक डायलॉग नहीं बोल सकती हूँ. प्लीज प्लीज. नहीं नहीं सर. कैन यू आस्क माय डायलॉग सर. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर वेटिंग फॉर दैट ओनली. आई वाज सो अफ्रेड दैट यू आर गोइंग टू मेक हर स्पीक माय लाइंस. अंदरी की नमस्कारम. सबको नमस्कार. मीकुना मुद्दुलु. या हाँ दही दही. मीकुना मुद्दुलु किस मतलब आपको मेरा किस. सीरियसली. You know, I wanted to know to the actors that आपने हिंदी कहाँ से सीखी? क्योंकि आप तो वहीं पर साउथ में पले बड़े हैं. Plus, I think our schooling in our schools be you know for me at least it, you know my first language was Hindi. So it helped me. तो ये बहुत ही नहीं आप हो जाएगा क्योंकि वो जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना मुंबई हैदराबाद इन्होंने पूरी फिल्म आपने ट्रेलर में भी सुना होगा अपने आवाज में डब किया है हिंदी द होल फिल्म. वाओ आई वाज वंडरिंग. तो इसलिए ऑडियंस को एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलेगा. जैसे आपने एनटीआर से पूछा कि उन्होंने हिंदी कहां से सीखी है. हिंदी तो चलो एक लैंग्वेज है आप किताब से दोस्तों से सीख सकते हैं. इनको पूछिए आपने दूसरों की कुर्सी छीनना कहां से सीखा. वो भी पॉलिटिशियन की. राजमौली सर देयर वाज अ गाय वेरी लविंग गाय वेरी क्यूट ऑलवेज लाफिंग शी जस्ट स्नैच्ड हिज चेयर. डू दे नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू. एक्चुअली उसको छीनना नहीं जीतना कहते हैं. I thought she was snatching your chair. Don't give me ideas. One day she was roaming around in the, you know, near the set of KBC. Kaun Bana Crorepati. Bachchan Saab was not there. She just went and sat there. So finally उन्होंने खाली करवाया कि नहीं देवी जी कृपया आप वहां जाइए. वहां जाइए. राम सर आपको कोई बॉलीवुड की किसी फिल्म का जिनको आप एडमायर करते हो या अच्छे लगते हो आपको एक्टर उनका कोई डायलॉग याद है. डायलॉग नहीं सर. अच्छा फिल्म तक आई थिंक लॉकडाउन में कई फिल्म दिखे. अच्छा लास्ट फिल्म आई सॉ इज शेरशाह. ओके फैंटास्टिक मूवी. फैंटास्टिक मूवी. इट्स ऑलमोस्ट आवर लाइक पूरी फीलिंग आई थी जब हम पूरी देख रहे थे. सो दैट वाज वेरी गुड. राजी वाज फैंटास्टिक. आई बिकेम राजी एक्चुअली. या व्हाट अ मूवी. सो प्राउड ऑफ यू आलिया. थैंक यू. आवर इज How are you? My God, Alia. How are you? Good, how are you? Very nice. Okay. எப்படி இருக்கீங்க சார்? நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பாடு கொடுங்க. அம்மை தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன இத்தனை சார சூப்பர் ஸ்டார் மேற்கு எக் பார் ஜோர் சே சூட்டி காட்டி தர. மேற்கு யக்கீன் நீ ஹோ ரஹா சாமனே பேட்டே. நீ நீ மேற்கு குஜலி போத் ஹோ ரஹி ஹை. பாஹுபலி சே பி படி ஹோ ரஹா. மேற்கு பதா நீ கியா காஸ்ட்யூம் தே தியா. मैं फंस गई हूँ यार इसके अंदर. आप तो जानते हैं ना मेरा बड़ा सा फ्रॉक था. हाँ जी. हाँ स्पेशल आप लोग के लिए मेरे को दिया. बहुत अच्छी लग रही हो आप. अच्छी लग रही है. थैंक यू थैंक यू. फिर एनी वे RRR का प्रोमो देखा बहुत अच्छा लगा. एक बार जोरदार ताली हो जाए. मैं सच्ची में सर क्या ट्रेलर है. थैंक यू. आप इस पे पिक्चर क्यों नहीं बनाते. फिल्म बनाया है. फिल्म बनाया है. अरे वाह सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. okay. मैं क्या कर सकती हूँ. नहीं नहीं दे नहीं रही हूँ. मेरे को ओरिजिनल बना के दो ना. आप ही ले लीजिए. देंगे ना आप. ये लोग मेरे को बोले बहुत पैसे वाले आदमी है. पैसे वाले आदमी यहाँ है. नहीं नहीं वहाँ बैठा है. पैसे वाले यहाँ. वहाँ बैठी हैं. और एक बात बता इतने बड़े बड़े गेस्ट हैं उनको खाने को तो पूछ रहे कप्पू. नाश्ता विश्ता पूछा नहीं. पूछा ना आलिया. नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं मैं लेकर आई आप लोग के लिए. अच्छा क्या लेकर आई. एक मिनट आ जाओ बाबा. इडली. आलिया आपके लिए सांबर. सांबर भी आ रहे हैं. वो भी आएंगे. राजमौली सर के लिए कुछ नहीं. अरे बाबा बाहुबली के डायरेक्टर हैं वो. उनको ऐसा नॉर्मल इडली थोड़ी खिलाएंगे. क्या खिलाएंगे फिर. आ जाओ. अरे 1500 करोड़ के डायरेक्टर हैं. मैंने 1500 रुपए की इडली बनवाई है.
कितना मेहनत करके लाया दिखा येड़े ऐसा ऐसा क्या एक्टिंग कर रहा था आते आते सर ये हमारा नाला सोपारा है ना इधर इधर नाला सोपारा का बाहुबली है और वो बाहुबली तो एक तीर मारता था चार लोग को लगते थे ना ये चार तीर मारता एक को भी नहीं लगता चल जा इधर अरे वाह बैठेंगे आप तो जाओ ना फिर अरे अरे क्या ये क्या कर रही है मैं बाहुबली के सांड से लड़ रही हूँ सांड किधर है कोई बात नहीं राजा मौली साहब वीएफएक्स में डाल देंगे खैर अर्चना जी आज आपके लिए बहुत लकी डे है आज शाम तक आपको एक गुड न्यूज जरूर मिलेगी कैसे क्यों क्या मतलब क्योंकि वास्तु के हिसाब से आज ये पहली बार साउथ फेसिंग बैठी हैं आज इनको पक्का गुड न्यूज मिलेगी कि सिद्धू जी वापस आने वाले हैं इट्स वेरी नाइस सर यू विल यू बी माय सेंटा क्लॉस मैं सच्ची बोलती हूँ मतलब इसको बोलते हैं करोड़ों के डायरेक्टर बाबा तू और मैं इतने सालों से मक्खी मार रहे हैं कुछ बना नहीं पाए इनकी फिल्म में सुदीप किच्चा ने मक्खी मारी 500 करोड़ एक साथ आ गए आलिया कितनी गुड़िया जैसी लग रही है एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरी आलिया बहुत टाइम बाद आए आप है ना जी भट वी रियली मिस्ड यू इट्स भट ऑब्वियस यार इतने टाइम से नहीं आई तो हम मिस तो करेंगे ही नहीं खैर मैं तो बहुत फैन हूँ आलिया की मैं सारी फिल्में देखती आपकी मेरे को वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी आपकी कपूर एंड सन्स उसका मेरे को पूछने का था उसका सीक्वल कब आ रहा है कौन सा सीक्वल कपूर एंड बहूज नहीं मेरा मतलब अभी देखो ना विक्की की जिंदगी अच्छी कट रही ना तो बस आप ही के लिए वेट कर रहे हैं बट गॉड ब्लेस यू थैंक यू खैर जूनियर एनटीआर सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए आई रियली बिग फैन हूँ मैं इनका आपका सब मैं फिल्म विलम देखे लिए जी सर मेरे को सिर्फ आपको बोलने का था जब आप 60 की एज क्रॉस कर जाएंगे ना तो ट्रेन और बस भी इसमें मत बैठना आपको कंसेशन नहीं मिलेगा क्यों उधर क्या है 60 की एज के बाद सीनियर सिटीजन लोग को कंसेशन मिलता है ना 60 के बाद तो ये जूनियर ही रहने वाले हैं कैसी बातें कर रही है सपना वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में जिसका मामा उसके बारे में नहीं सोचता है लोग क्या सोचेंगे सपना तो करने के आई इधर एक्चुअली सर मैं नए साल का चंदा मांगने के लिए आई ली थी आपके पास में तो मेरे को 2 करोड़ रुपया दो ना सिर्फ 2 करोड़ हाँ, तो 1 करोड़ मांगती थी पहले अब 2 करोड़ मांग रही है नहीं 1 करोड़ की मैं गाड़ी खरीदूंगी हाँ। और 1 करोड़ मुझे इनको वापस भी तो लौटाना है तो फिर 2 क्यों मांग रही है अच्छा 2 इनको देने का है हाँ। तो एक काम करो 4 करोड़ रुपया दो ना मेरे नहीं नहीं आप ही का फायदा है पहले मैं आपको 1 दे रही थी अभी 2 दे रही हूँ 4 क्यों मांग रही है फिर तू गलत क्यों दे रहा है रे हो गया मैंने खत्म कर दिया पता क्या है अभी आप करोड़ों के डायरेक्टर हैं हम लोग लाखों के आर्टिस्ट हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है क्या मेरे पास भी करोड़ों आ जाएंगे ना फिर आपकी गोद में बैठ के प्रमोशन करेंगे खैर हम लोग के पास अलग अलग टाइप का मसाज है आलिया को तो मालूम है मेरा पार्लर था मालूम है आलिया हाँ इसने तोड़ डाला मेरा पार्लर क्यों वेरी चीप पार्लर तो पार्लर था सर आई वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज तो रामचरण जी की अरे सो हैंडसम यार रामचरण जी इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली नो तालिया नहीं नहीं रामचरण जी आपके लिए स्पेशल मसाज है आपकी सुपर हिट पिक्चर मगधीरा मसाज अच्छा इसमें क्या कस्टमर कम वी पुट ऑयल ऑन कस्टमर उसको खड़ा रखते हैं मसाज करके
फिर मग्गा रहते ना मग्गा मग्गा से फिर हम उसके ऊपर ऐसे जोर से पानी डालते हैं तो उसको पानी लगता है बोलते धीरे धीरे डाल धीरे धीरे डाल धीरे धीरे थैंक यू सर बहुत अच्छा लगा अभी तो आपका आरआरआर भी सुपर हिट होगा मैं जाती हूँ बड़े बड़े लोग हमारे पास मसाज कराने आते हैं अभी नागा अर्जुन जी आए थे अच्छा हाँ तो ही वॉज इन अ रश तो जाते जाते वो अपना नागा छोड़ गए I'm not laughing on this, you know. नहीं सच्ची में वो नागा अंदर पड़े हैं मैं इतनी परेशान हूँ कि उनको मेरे को वापस देने का है अभी इस महीने अगर उनको नागा दे डाला तो वो नागा दिसंबर हो जाएंगे तो मैं उनको जून में दूंगी ताकि वो नागा अर्जुन रहे ऑल द बेस्ट आरआरआर के लिए जोरदार सुपर हिट अगली बार से साड़ी मत पहनाना मेरे राम सर आलिया एनटीआर सर आप सब सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स वीडियो डालते रहते हैं नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं यू नो हमारी हिंदुस्तान की ऑडियंस बड़ी क्रिएटिव हो गई है तो बड़े फनी फनी कमेंट्स हैं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं आपकी पिक्चर्स के नीचे प्लीज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन आलिया की पिक्चर है ये हां ये मेरी पिक्चर है वाओ आलिया हाँ. क्या बात है यार क्या फ्लेक्सिबिलिटी है हां दिखाइए कमेंट्स ये ब्लर किया है ओनली फनी कमेंट्स आर इनवाइटेड मैं समझ गया मैडम आप सर्कस दिखा रही हैं अब इसके बीच में से कुत्ता निकलेगा किसी ने रिप्लाई भी किया कहते निकल जा फिर देख क्या रहा है फैब मैं अगर इतना फ्लेक्सिबल हो जाऊं तो पैसा बचाने के लिए सूटकेस में चला जाऊं फैब 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 और दिखाइए मुझे पीछे घड़ी दिख रही है दोपहर के 1 बजे हैं ये योगा का नहीं खाना खाने का टाइम है आर्य भट्ट ने 0 इसीलिए ढूंढा था एक दिन आलिया भट्ट उस पर एक्सरसाइज करेगी वेरी क्रिएटिव ट्रायंगल तो बन गई अब स्क्वायर बन के दिखाओ तो माना और आगे दिखाइए ओ थैंक यू राजमौली घारू एंड रणवीर सिंह फॉर ग्रेसिंग अवर इवेंट एंड मेकिंग दिस ग्रैंड स्पेक्टेकल स्पेक्टेकल क्या होता है अर्चना जी मतलब देखो नजारा एक खूब बढ़िया नजारा एक बड़ा सा स्पेक्टेकल ओके नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं रामचरण भी लाइक भाई बनियान और शर्ट भी आते हैं जो सूट के अंदर पहने जाते हैं चोटी के नीचे चोटी चोटी के ऊपर चोटी नीचे वाली चोटी है ऊपर वाली से छोटी तो बताओ कितनी चोटी और दिखाइए कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो फोटो खिंचाने के लिए बोनट पे ही बैठना पड़ता है रणवीर ने आज लड़कियों के कपड़े नहीं पहने तो उनके जैसी चोटी रख ली और दिखाइए ओह माय गॉड बीन एजी सिंस आई वोर एन आईडी कार्ड माय फर्स्ट एवर ऑन सेट्स ओके चलिए गॉड अच्छा ये जो गाने का शूट करने गए थे आप यूक्रेन ना यूक्रेन में आईडी कार्ड वाला ये क्या है आईडी कार्ड लेकर होते हैं अलो चेहरा सेट की मतलब मतलब अगर आईडी कार्ड नहीं है तो सेट पे अलाउ नहीं करेंगे ओके ओके अच्छा दे वोंट अलाउ यू ऑन द सेट सर आईडी तो ठीक है ओटीपी और पासवर्ड किसी को ना बताएं सर आपको आईडी कार्ड क्यों पहनाया आपके नाम से सेट पर कोई और खाना खा रहा था क्या खाना तो ठीक है आपके नाम से कोई हीरोइन से रोमांस तो नहीं कर रहा ओह नहीं और आगे दिखाइए दिस मोर सर आपको आई कार्ड की जरूरत नहीं आप हमारे स्टार हैं ये तो उनको सूट करता है जो क्रेडिट कार्ड बेचने आते हैं
और दिखाइए आगे. 18 years, student number 1 released today. Oh wow. Oh wow. चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं. सर कितने साल से स्क्रिप्ट ही डिस्कस कर रहे हो, शूटिंग कब करोगे? 18 साल हो गए, ये फिल्म बन रही है या कोर्ट केस चल रहा है? ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट लिख दी कि उनको समझाने में आपकी दाढ़ी और बाल सफेद हो गए? और दिखाइए. थ्रो बैक टू व्हेन मास्क वर स्किन केयर एंड पीपल वर काइंड. ओके दिखाइए कमेंट्स. ये मुंह पे डोसा क्यों लगा? अरे इन्हें कोई बताओ, मास्क से मुंह और नाक ढकते हैं. आलिया भूत, आप बहुत बहुत सुंदर लग रही हो. कैसा लगा मेरा मजाक? नीचे किसने रिप्लाई किया, चुप भूतनी के. कैसे मान लूं आप आलिया भट्ट हैं? मुंह धो के मुझे वीडियो कॉल करो. नीचे उसने नंबर भी लिखा था, ब्लर किया है वो. और इतना चीकी का आया. और दिखाइए. बैड बॉय विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, लॉट्स ऑफ लव टू एक्टर प्रभास. ओके दिखाइए कमेंट्स. जब पार्टी में आपकी क्रश आ जाए. प्रभास भी लाइक, बधाई हो भाई, तुमको भी राजा मौली की फिल्म मिल गई, अब तो पैसा ही पैसा. और दिखाइए. वाओ. सिंड्रेला नेवर विश्ड फॉर अ प्रिंस, ऑल शी आस्क्ड फॉर वाज अ न्यू ड्रेस एंड नाइट आउट. वाओ नाइस नाइस पिक्चर. दिखाइए कमेंट्स. आपने ज्यादा कपड़ा वेस्ट कर दिया, जितना कपड़ा उड़ रहा है उसमें आदमी की लुंगी बन जाती. वाह, आप तो जहां भी बैठ जाओ वहीं पे शतरंज खेल सकती हो. ऐसे कपड़े पहन के लड़कियां जब रैंप पर चलती हैं तो साथ में पोचा भी लग जाता है. स्वच्छ भारत. स्वच्छ भारत. और दिखाइए. आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है, ये मनीष मल्होत्रा का कपड़ा है? किसी ने लिखा नहीं, पर्दे का कपड़ा है. कुछ भी कहो, ऐसे कपड़ों में हीरोइन ही अच्छी लगती है. हमारी वाली को तो पता ही ना चले बाजू कहां से निकालने और पैर कहां से. और ट्रू. वाओ सुपर. एनटीआर सर, हमने सुना कि यू आर वेरी फेमस इन जापान आल्सो, लाइक कपिल शर्मा इन मुंबई. सो जैसे अपने फैंस जो होते हैं अपने स्टार्स के लिए कुछ ना कुछ कार्ड्स गिफ्ट्स भेजते रहते हैं, जापान से आपके लिए कभी कोई ऐसे गिफ्ट आए? हाँ आया था ना सर. क्या भेजते हैं वो? सुशी पैन. पैन फ्रॉम जापान. ओके वेरी नाइस. आई एम गेटिंग बेटर. मच नाइस. नाइस. हाँ मेरा भी एक ख्वाहिश है ना सर, आपको निकल के वहां बैठूंगा. और आप वहां बैठेंगे. और ये कहां बैठेंगे? तेरे ये दाढ़ी रख के एंटीआर बन जाएंगे बाद में. राम सर, जब कोई नई गाड़ी लेता है यार दोस्त, तो बोलते ना यार एक चक्कर लगवा के लाओ. तो जब आप कोई नया जहाज लेते हो तो रिश्तेदार बोलते हैं एक चक्कर मुंबई लगवा के लाओ. मुंबई? हाँ मतलब कहीं पे भी बोनेट पे बैठ के पिक्चर लेते बस. चलाते ले. ओके सो जो कैन बी इग्नोर्ड सर, ये मैं एडिट में कटवा दूंगा. अच्छा मैंने जो राम सर की या एनटीआर सर की फैन फॉलोइंग सुनी है, इतने लोग बड़े बड़े नेताओं की रैली में नहीं आते. इनकी फिल्म आई थी आंध्रा वाला, तो उसके ऑडियो रिलीज पे कहते हैं कि इतनी पब्लिक आई थी, गवर्नमेंट ने 10 स्पेशल ट्रेन चलवाई थी. वंडरफुल सर. ये क्या मतलब, कितना क्राउड आया था उस समय वहां? सर कुछ 9-10 लाख. वाओ या क्या बात है यार. मैं सोचती थी 9-10 हजार होंगे. नहीं नहीं वो फंक्शन ना बस अभी घूमते रहता है सर ऐसा. इट्स आई डोंट नो, इट वाज वन एक्सपीरियंस व्हिच विल ऑलवेज जस्ट बी विद मी. क्या बात है. हां सर. एंड नॉट वन रॉन्ग इंसिडेंट हैपेंड. किसी का कुछ होना या किसी को कुछ लग जाए. देयर वाज नो इंसिडेंट्स रिपोर्टेड. क्या बात है यार. गॉड ब्लेस. बड़ा प्यार मिलता है.
सर मैंने सुना है कि जब मक्खी मूवी आपने बनाई तो आपकी धर्मपत्नी जी ने गेट पे लिखा दिया कि इनफ ऑफ मक्खीज एंड इंसेक्ट्स नाउ मेक ए मूवी ऑन हीरो. इज इट ट्रू सर? एक्चुअली नॉट माय बीवी, माय कार ड्राइवर. ओके. माय कार ड्राइवर गॉट वेरी एंग्री दैट आई एम मेकिंग मूवी ऑन ए फ्लाई. Have you gone mad? Forget these flies and cockroaches. Why can't you make films with human beings? You used to put flies for hibernation, no? To study them properly. Yeah, yeah. Sir, they're in the fridge, mein na, sir. Huh? Fridge. Mein. Jab kholte hai, to khana nahi milta tha. Bas makkhiyan thi usme. Hibernation pe dal raha tha. You know, he was... Dal rahe the ye ki wo, he used to put them in a bottle. Achha. He opened the fridge and there are makkhis. Oh, different bottles. He used to hibernate them. Put them to sleep. So that you can study them better. Oh! Utna sa interest tha inko. Makkhiyon pe. No, makkhi pe film banayi ho. Makkhi ko aapne botal mein band kar diya. Bahubali banayi to Prabhas ko studio mein band kar diya. Wah, band kar dete hain bande ko. Uske baad nikalte seedha hi super duper hit. Wow. Par sir, kaisa lagta hai Rajmouli sir, jab aapko log itni mohabbat, itna pyar, तो फिर क्या आपको अंदर से फील आता है? लोग कहते हैं हमें राजमौली के साथ काम करना है. आप जब सुबह उठते हो, शीशा देखते हो, आपने आपको मैं ही राजमौली हूँ तो क्या फील आता है आपको? नहीं सर, आई डोंट लुक इनटू द मिरर. आई डोंट लुक इनटू द मिरर एट ऑल. इधर मॉनिटर ही देखते हो आप? शॉट देखते हो? सिर्फ मॉनिटर. नाइस. वी आई डोंट बिलीव दिस, लाइक आई रियली डोंट. वी गॉट रेड एंड राजमौली इन द हाउस. इन हाउस. Yeah. We got Mr. Ram Charan in the house. In the house. And you are in the house. In the house. And all your party in the house. Oh, man. मेरे को सच में यकीन नहीं हो रहा है. मैं आपको अपने आंखों के सामने ऐसे देख रहे हैं. Oh my God, man. आपका फिल्म का भी ट्रेलर देखे. Wow. Wow. It is so cool. मेरा तो हक्के बक्के बोचक के निकल गए. I don't know what to say. Like really, fats off to you. Fats off? क्या fats off होता है? Fats off. मैं मेरे पास जो होगा मैं वही off करेंगे. Like it, bro. मेरा पहला बार इन लोगों से मुलाकात हो रही है. मुलाकात. I'm sorry. Yeah, that's the word. मुलाकात हो रही है. तो मेरा थोड़ा तारीफ में चार शब्द बोलो यार इनको. He thinks he's a human being. जैसे रामोजी फिल्म सिटी को पूरा देखना हो तो एक दिन लगता है, इसको पूरा देखना हो तो डेढ़ दिन लगता है. ब्रो ये मेरा इंट्रो से दो शब्द और बोलना चाहेंगे आप मेरे बारे में? ऐसे यहाँ पे फिल्म सिटी में एक हाथी कीचड़ में फंस गया था. तो फिर इसके पीछे रस्सा बांध के हाथी को बाहर निकाला. ब्रो मैं सार्केस्टिकली बोल रहे थे, सच में नहीं बोलना है मेरे बारे में. और तुमने अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपने ड्रेस पे क्यों लगाया है? That's a monkey. क्योंकि आज मैं अपना मंग की बात करने चाह रहे थे आलिया जी से. खैर मैं आपको बता रहे, आपके फिल्म आ रहे हैं और इत्तफाक का बात देखिए, परसों मेरा मौसी आ रहे है. तो ये क्या बात है, ये उनको क्यों बता रहे हो? अरे अगर मैं अपने मौसी को बता सकते कि इनका फिल्म आ रही है तो मैं इनको क्यों नहीं बता सकते कि मेरा मौसी आ रही है? हाँ, बिल्कुल. इनको क्या? इनको क्या मैं सबको बताएंगे? गाइस परसों 11:55 का ट्रेन से मेरा मौसी आ रही है. ओके. बोरीवली स्टेशन पे उतरेंगे. अब जाओ उनको देखो और इंजॉय करो. सर मैं पहले भूल ही गए, मैं आपके लिए कुछ लेके आए थे. दिस इज ए वेरी वेरी स्पेशल अवार्ड. And the awards goes to Mr. S.S. Rajamouli. Yes. क्या अवार्ड है? First person on the planet? What? किस चीज के लिए? कटअप ने बाहुबली क्यों मारा? He is the first man on the planet जिनके पास ये सवाल का जवाब था कि कटअप ने बाहुबली को क्यों मारा? Sir, आप यकीन नहीं करेंगे, my mother. मेरा लड़ाई हुआ किधर, मैं कुछ गुंडा लोग ने मेरे को बहुत मारा. मैं घर पे गया, मेरा माँ मेरे से ये नहीं पूछा कि बेटा गुंडा ने तुझे क्यों मारा, वो पूछता है कटप्पा ने बाहुबली. वो टाइम ऐसा टाइम था सर, आप अगर डॉक्टर के पास भी जाओ ना तो डॉक्टर पूछता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. नहीं नहीं, वो पूछता था कल क्या खाया, बीमार कैसे हो गया. डॉक्टर ये बात क्यों पूछेगा?
डॉक्टर को कोई लेना देना नहीं कचप्पा बाहुबली को क्यों मारा वो अपना काम से काम रखते हैं कुछ भी बोलते हैं यार ये ओह सॉरी सर मेरे को एक आई गॉट अ मैसेज वन सेक प्लीज ओह सर दिस मैसेज इज कम आपका एक कलीग है बाहुबली से वो मैसेज भेजे है पर ये मैसेज में क्या लिखे मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहे आप जरा बताना क्या लिखे है ये आपके फ्रेंड कहते हैं निमुंडा Dostras tell me, Rumusta, and Blair Musta, Rumuskepa, Niarista of Mapa, Rembia Rusta, Numero Coristia, Rumba, and Melite, Rabunda. You can't get a gali here. Wo bol rahe hai, Kapil Sharma is making a lot of money in the show. You can take a बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं मैं उनको रिप्लाई करेंगे So what did you ask him? I said कि आप बहुत सही बात बोले he should share the money with me. I told him that. Good idea sir. Thank you. लेकिन आपका फिल्म आ रहे हैं आरआर आरआर बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे चार आर कहाँ है चार आर ट्रिपल आर 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 हाँ तो आलिया जी के पास भी अपना खुद का एक आर तो है ना अपना अपना क्या मतलब तुम्हारा नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट राजी राजी किए थे ना मैं राजी का आप लोग क्या समझ रहे हैं कुछ नहीं समझ रहे हैं आपका जो राजी है वो बहुत हैंडसम है बहुत क्यूट है सो व्हेनेवर यू आर राजी वी आर राजी एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ पापराजी लेकिन आलिया जी आप मेरा दिल तोड़े हैं सर मैं बता रहे हमेशा सर मेरे साथ ऐसा होते हैं मेरे को दीपिका पादुकोण पसंद आते थे रणवीर सिंह उनको ले गए मेरे को करीना कपूर पसंद आते थे सैफ अली खान उनको ले गए मुझे विराट कोहली पसंद आते थे अनुष्का शर्मा उनको ले गए अनुष्का शर्मा बहुत पसंद आते थे विराट कोहली ले गए और अभी लेटली मुझे नोरा फतेही बहुत पसंद आए सुरेश उनको ले गए सुरेश उनका ड्राइवर यार शूटिंग अच्छा आप क्या करने आए यहाँ पे मैं इनका फिल्म का प्रमोशन करने आया ब्रो तो फिल्म की प्रमोशन तो हो रहा है ना यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे आप भी कर रहे हैं हाँ आप थोड़ा उस तरफ जाके करो ना शेयरिंग भी करेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी फिल्म के प्रमोशन के लिए मैं क्या क्या नहीं किए क्या आई एम रियली टेलिंग यू मैं आपका फिल्म जो ट्रिपल आर है आर 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 इसको प्रमोट करने मैं ट्रेन में गए बस में गए कार में गए प्लेन में गए लेकिन हाँ मैं बाइक पे इसे प्रमोट नहीं कर पाया क्यों नहीं उधर ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है ना तीन आर पे वो लोग चालान काटते लेकिन मैं एनटीआर जी आपसे पूछना चाह रहे थे आप कभी ऐसे प्रमोशन पे जाते हैं तो वहां जाके आप पीआर करते कि उधर भी एनटीआर ही करते मैं लेकिन आप लोग इतना फिट है इतना ऐसा मैं देख प्रोमो में भी क्या एक्शन कर रहे हैं एक्चुअली मैं आपको बताए सच एक बार एक आदमी मेरे को भी बोले कि पतले हो जाओ पतले हो जाओ मैं फिर पतला लोग को देखे कोई फायदा नहीं है क्यों उन लोग के अंदर कुछ ताकत नहीं है स्टैमिना नहीं है वो लोग कुछ एकदम कमजोर है पतला लोग कमजोर मतलब नहीं मैं सच में बता रही एक बार एक पतला आदमी मेरे ऊपर बैठा 15 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं हुआ मैं 1 मिनट के लिए उस पर सर मैंने आपका फिल्म को पकड़ लिया तेरे को पता भी है मक्खी कितनी अच्छी फिल्म है मैंने बहुत अच्छी फिल्म है सर लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहे थे जब आप मक्खी का प्रमोशन कर रहे थे तो आप और मक्खी जाते होगे प्रमोट करने के लिए फिर उधर 4-5 और मक्खी आती होगी आपको पता कैसे चलता है कि आपका वाला मक्खी कौन सा है इट्स सो कंफ्यूजिंग अच्छा कोई ढंग की बात करनी है तो करनी तो जा यहाँ से I will. वैसे फ्लाई से मेरे को एक ऐसा अजीब सा जोक याद है मैं सुना देंगे यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्लाई एंड अ मस्कीटो व्हाट अ मस्कीटो कैन फ्लाई बट अ फ्लाई कैन नॉट मस्कीटो वाह चले गए
आपका फिल्म का प्रमोशन और बहुत जगह पे करने हैं मुझे मैं जा रहे हैं और जल्द मिलेंगे सर थैंक यू थैंक यू सर हम अपने शो में जो स्टार्स आते हैं तो उनके जो फैंस होते हैं हम लोग उनको लाइव उनके साथ बात करने का मौका देते हैं जैसे राजमौली सर ने मक्खी फिल्म बनाई ऐसे ही हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसको लगता है कि यार मेरी इस जानवर से मिलती है जैसे मेरी मम्मी मुझे हमेशा बंदर बोलती है कि तू उछलता रहता है ये है वो है सही बोलती है तो ऐसा ऐसा आप में से किसी को लगता है कि आपके अंदर कोई जानवर छुपा हुआ है जी भाई साहब हेलो कपिल सर हेलो हेलो एवरीवन हाय मेरा नाम पलाश है और मैं इंदौर से आया हूँ पलाश वेलकम पलाश जैसा कि अभी सर ने पूछा तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक जानवर है गाय आपको लगता है आपके अंदर गाय है हाँ सर चारा खाने का मन होता है कभी कभी तो ऐसे क्यों लगता है सर आपको ऐसा मुझे पिछले 6-7 महीने से लग रहा है जब से मेरी शादी हुई है मेरी वाइफ हमेशा मुझे ऑफिस से आने के बाद कभी गाल पे हाथ फेरना कभी कंधे पे हाथ लगा तो मुझे लगता है वो जब प्यार कर रही है लेकिन एक दिन में बोली आप बड़े सीधे हो मेरी हर बात सुनते हो अच्छा तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे गाय समझा जा रहा है अगर नहीं सुनेंगे आप बात तो फिर बकरा बनोगे आप उसका मुंडी कटेगी आपकी वाइफ भी आई है साथ में हाँ सर कहाँ है so नमस्कार स्वीटली शी सिटिंग नहीं ये भाई साहब जो बोल रहे हैं आप ऑफिस आते हैं सीरियसली आप गाय के जैसे प्यार करते हैं उनको वैसे ये सीधे बहुत है बट ये गाय कब लोमड़ी बन जाएगी वो मैं भी नहीं जानती पर नहीं क्यूट है भाई साहब परेशान मत करिएगा उनको प्लीज सीरियसली गाय हैं बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए जी भाई साहब हेलो एवरीवन हेलो कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू फिल्म थैंक यू आपका नाम क्या है सर पंकज जैन कहाँ से आए जैन साहब मैं बोरीवली से आया हूँ सर अच्छा जी सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तुलना ना घोड़े के साथ की जा सकती है क्यों क्योंकि मैं रात दिन भर काम कर सकता हूँ मेरे इन एनर्जेटिक है अच्छा मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ विदाउट स्लीपिंग वगैरह आपको मैं शादी का फंक्शन बुक कराऊं पीठ पे दूल्हा बिठा के छोड़ाओगे घोड़ा इज अ परफेक्ट एनिमल अच्छा जी मैं भी हाइट बॉडी वगैरह सब परफेक्ट है वैसे घोड़े के भी परफेक्ट एनिमल है सर मुझे चने खाने के बड़े शौक है अभी लॉकडाउन में इन्हें चने खा चुका हूँ ना घर में बीबी परेशान हो गई है पर आप चेक करवाओ आप कहीं सीरियसली घोड़े तो मैं घोड़े की आवाज भी अच्छी निकाल सकता हूँ निकालिए सर एक बात मैं बोलना चाहूंगी हाँ ये आई गुड सवाल ये घोड़ा तो है कहीं भी जाके आ जाए कितना भी काम कर ले कहीं भी जाके कुछ भी कर ले लेकिन इस घोड़े की लगाम तो मेरे ही हाथ हमको पता है हमको पता है देवी जी जी हम भी शादीशुदा हैं जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है अभी हाँ जी हो रहा है धीरे धीरे सर मैं एक आपसे सॉरी दिमाग में आया जब घोड़े की बात चली आपकी फिल्मों में जैसे इस फिल्म में भी और बाहुबली में भी हाथी घोड़े कितने आते हैं कभी आपको लगा कि हाथी ने उधर भागना था और आप मॉनिटर पे शॉट देख रहे हो और आपने सडनली देखा हाथी आप ही की तरफ आ रहा है कभी आपके साथ ऐसा हुआ और आप उठ के भागे हुए ये क्या हो गया No problem, sir. Because hathi is anyway coming in CJ, not real hathi. Yeah. Oh, VFX का हाथी है वो. तभी मैं बाहुबली में देखूंगा इतने बड़े हाथी तो होते ही नहीं है पर वाओ लार्जर देन लाइफ फिल्में हैं तो हाथी बड़े होने चाहिए और कोई हमारे दोस्त मित्र अपनी मन की बात करना चाहते हो मैडम को माइक दे दीजिए हेलो कपिल हेलो जी बड़ी प्यारी लग रही है आपका सूट बड़ा प्यारा लग रहा है थैंक यू सो मच पंजाब के हो ना पंजाबी को पहचान लिया अरे वाह बहुत बहुत स्वागत है जी आपका मेरा नाम मनदीप है और हम चंडीगढ़ को बिलोंग करते हैं अच्छा जी खूबसूरत शहर खूबसूरत लोग बहुत बहुत स्वागत है जी आपका थैंक यू सो मच कपिल शो के शुरू में आपने बोला था कि कुछ मूवीज होती हैं जो बड़े पर्दे पे ही अच्छी लगती जी बट मैं आपको बताना चाहूंगी आपका शो किसी भी पर्दे पे आए चाहे टीवी पे आए किसी भी पर्दे पे आए हमेशा सुपर थैंक यू और आज आपको लाइव ये शो देख के तो मैं आपको बता नहीं सकती कि आज हाउ एक्साइटेड एंड हैप्पी आई थैंक यू मैम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी थैंक यू एंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी जी मैम आपको तो पता ही है कि सारे मैरिड मेन की बड़ी दबी दबी ख्वाहिशें होती हैं हाँ जी तो मेरे पति की भी बड़ी बड़ी दबी दबी ख्वाहिशें हैं जो मैंने आज तक कभी पूरी नहीं होने दी पर आफ्टर 27 ईयर्स मैंने इनको फाइनली परमिशन दी है कि अपने
दिल की बात, जिसके ये इतने बड़े फैन हैं आलिया भट्ट, उसके लिए ये गाना गाए. He's been a huge fan, आलिया. We all are. We love you so much. Thank you so much. And thank you so much, Rajamouli sir, for giving us such wonderful movies. Thank you. Wow. बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद. कितना खूबसूरत गाया आपने. एक और रिक्वेस्ट है, टू शो आर लव फॉर डियर आलिया, हम एक छोटा सा गिफ्ट उनके लिए लेके आए. इट्स अ स्केच फॉर आलिया. वाओ, सो स्वीट. जेन्युइनली आपने इतना इतना इतनी खूबसूरती से गाया. लाइक ही सैंग द होल सॉन्ग विद हिज हार्ट. चंडीगढ़ से लोग आके तुम्हारे लिए गा रहे हैं तो मैं ना गाऊं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. इतने प्यारे खूबसूरत लोग आए, इतना खूबसूरत आपने गाना गाया सर. सर चार दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, हो नहीं रही है. I've lost 2 kilos, sir. 2 kilos, sir. It won't show on this body, but... देखिए सर, ढीला ढीला हो गया सर. सर थोड़ा सिखा दो ना सर. आपके साथ. क्या क्या करना है सर इसमें? पहले दोनों पकड़ लो ना सर. अच्छा, ओ इधर आ जाओ सर. चलो काम. तू उनको पकड़ लेना. हाँ. Ready. One. यहाँ. यहाँ. ये. 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 One, two, three, four. अरे ये तो बहुत मुश्किल है. पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां. आइए सर, आइए, आइए. Please. Nice. They're wrapping it up. NTR सर, राम सर, आलिया, राजमौली सर. बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की. मैंने जैसे बताया आलिया से मिलते रहते, राम सर से मिल चुका था. आप दोनों से आज मिलकर बहुत अच्छा लगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर RRR. थैंक यू सो मच. और ये सब रिकॉर्ड तोड़ने वाली है ये फिल्म. जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू. और सर आते रहा करिए. डेफिनेटली. लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, हमारे भी एपिसोड बन जाते हैं. मजा आता है सर. आई होप यू एंजॉय इट. दोस्तों नए साल की आप सभी को ढेर सारी बधाइयां. 2022 आपके लिए खुशियों से भरा हो. आप सेहतमंद रहें, सभी जगह सेलिब्रेशन का माहौल है तो भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. स्वस्थ रहें, खुश रहें. गुड नाइट, शुभ रात्रि. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.